दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों एक स्त्री एक महिला के लिए सुंदरता उसका आभूषण होता है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। सुंदरता का महत्व आज से हजारों वर्ष पहले भी था, लेकिन आज हम चेहरे पे कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि दाग धब्बे वगैरह। लेकिन पुराने समय में ऐसी कुछ भी चीजें नहीं थी, तो क्या उनको दाग धब्बे नहीं होते थे? अगर होते थे तो वो क्या उपाय करते थे? इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे उपाय के बारे में जो प्राचीन समय में स्त्रियां अपने चेहरे के दाग धब्बों को मिटाने के लिए इस्तेमाल करती आ रही है। दोस्तों उस समय न तो कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स थे और न ही कोई ऐसी दवाइयां जो कि चेहरे को साफ कर दे, लेकिन उस समय जो चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी वो थी चंदन की लकड़ी। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उस प्राचीन नुस्खे के बारे में जो कि आपके चेहरे के दाग धब्बे को मिटा देगा। आप क्या करें, अगर आपकी स्किन सूखी हुई है तो आपको चंदन की लकड़ी की जरूरत होगी। आप चंदन की लकड़ी लें, उसे दूध में घिसकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों चंदन की लकड़ी का प्रयोग भी अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग होता है। अगर आपकी सूखी त्वचा है तो उसके लिए आप चंदन की लकड़ी को दूध में घिसें, और अगर आपकी तेलीय त्वचा है तो उसे आप गुलाब जल में घिसें। अब आप क्या करें, सबसे पहले चंदन की लकड़ी को घिस दें, उसके बाद नहाने से पहले चेहरे को साफ पानी से धो लें। धोने के बाद उस मिश्रण को अपने चेहरे के जहां कहीं भी दाग धब्बे हैं वहां पे लगा लें। अगर ये प्रयोग आप गर्मियों में करते हैं तो और भी फायदेमंद रहता है, और एक घंटे बाद आप नहा लें। अगर ये प्रयोग आप कुछ दिनों तक करते हैं तो चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। अगर आपके चेहरे पे चोट के निशान है या फिर कभी जल गया है और वहाँ पर निशान पड़ गया है तो उसके लिए चंदन की लकड़ी को पानी में घिसना है और रोज वहाँ पे लगाएं। तो इस कंडीशन में आपको पानी में घिस के लगाना है, बाकी कंडीशंस में मैंने जो पहले उपाय बताए थे उसमें घिसकर आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये नुस्खे काफी पुराने हैं और प्राचीन समय से लोग इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।